अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ रिबन देकर किस तरह से आप लेस तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो रिबन लिया है वो डिस्टेंस है 1 इंच का, और यहाँ पर मैं जो ट्रायंगल कर रही हूँ ये ट्रायंगल का चौड़ाई और लंबाई 1 इंच होगा, और यहाँ से जो सेकंड ट्रायंगल है वो उसका डिस्टेंस होगा 2 इंचेस। तो इस तरह से मैं ट्रायंगल कर लेती हूँ। एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरह से कागज़ पे, तो आप लोगों को समझ में आएगा। और मेरी बात अगर आप लोगों को समझ ना आए तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। इसका जो लंबाई है 1 इंच होगा, और सेकेंड ट्रायंगल जो है उसका जो ये जो डिस्टेंस है ये होगा 2 इंचेस। इस लेस को आप बहुत सारे कहीं पे भी लगा सकते हैं, बच्चे की ड्रेस में, साड़ी में, सलवार कमीज में, और या फिर आप सलवार के भी ये यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं सुई और धागा लेकर जो 3 कोने हैं मेरे इस ट्रायंगल की, वहाँ पे इस तरह से मैं सुई को गाथ लेकर जो ट्रायंगल का जो कोने हैं वो मैं इस तरह से खींच कर बाहर में एक कर लूँगी। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जितनी इजी में मुझे आए, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँगी। जब 3 जो कोने हैं मैं एक करने के बाद यहाँ पे मैं लॉक कर देती हूँ, और लॉक आप लोगों को बहुत टाइटली करना है, क्योंकि अगर टाइटली नहीं करेंगे तो वो दिखेगा, और हम नहीं चाहते हैं कि ये बाहर जो है वो दिखा। इसलिए आप लोगों को बहुत ही टाइट से इसे ब्लॉक करना है। ये मेरे सेकेंड ट्रायंगल है, मैं इसको भी उसी तरह से ही मैं करूँगी। ये आप जितनी लंबा चाहिए आपको उस करते, ये जो मेथड है इस मेथड से आप बड़े छोटे कोई भी डिस्टेंस या फिर के आप कर सकते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं एक वीडियो ही बार बार दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है बंगाली लैंग्वेज के लिए भी एंड हिंदी लैंग्वेज के लिए भी, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में ही बात करने की कोशिश कर रही हूँ, और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरी ये वीडियो जो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और यहाँ पर आपने देखा कि हार्ट शेप में हो गई है ये लेस। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे मुझे लाइक करना ना भूले। तो धन्यवाद आप सब लोगों को मेरे साथ में रहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बाय।